टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। शालिनी वाजपेयी ने कई चश्मदीदों से भी बात की है। मैं उसी जगह पर पहुंच गई हूं, कुतुबगढ़ कंजावला रोड, जहां पर वो जो युवती है जिसको घसीट कर लेकर आए थे, वो जो लोग कार में सवार जो लोग थे, वो जगह दिखाते हैं आपको। देखिए, ये खून के निशान भी है। आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मैडम आनंद है। तो क्या क्या देखा आपको, क्या जानकारी मिले, क्या देखा था आपने? मैडम, ये सामने हमारी जैसी जगह है, तो सुबह हम जब आए तो पता चला कि यहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी थी, जिसके ऊपर कपड़े नहीं थे कुछ भी। डेड बॉडी कहाँ पर पड़ी थी बताइएगा, जगह बताइएगा, यहीं पर पड़ी हुई थी। हाँ जी, हाँ, ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, हाँ, इस निशान के ऊपर वो पड़ी हुई थी, हाँ, और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। अच्छा। और उसके पैरों की हालत घुटनों से नीचे बिल्कुल ही खराब थी। जिसने भी किया उसको ना सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि डेड, मुझे देखिए एक बार, बस ये चाहते हैं। तो क्या लग रहा था ऐसा कि डेड बॉडी कहीं से फंस गई है, एक्सीडेंट कहीं और हुआ? ये कहीं और से ही कुछ हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं था यहाँ, क्योंकि कंजावला साइड से आ रहे थे और यहाँ से कट लिया, तब वो बॉडी गिरी गाड़ी से। पता नहीं उन्हें गिराई है या अपने आप ही गिरी है। तो यहाँ ड्यूटी वाले बंदे आते रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा होने की संभावना नहीं होती।